वाइस, कजाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये भारत के उत्तर में पड़ती है। यूएसएसआर 1991 में शीत युद्ध के बाद जब टूटा था तो 15 देशों में टूटा था, उसी में से एक कंट्री है कजाकिस्तान, ठीक है। और इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 19.13 मिलियन है और इसकी जो जीडीपी है वो 171.32 बिलियन है। और ये काफ़ी अमीर कंट्री है, इसमें ऑयल के और कोयला के, माइनिंग के, यूरेनियम के, एग्रीकल्चर के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अमीर लोग रहते हैं तो ये काफ़ी अमीर कंट्री मानी जाती है, ठीक है। अब और रशिया अपने सारे मैन मिशन यहीं से भेजता है कजाकिस्तान से अंतरिक्ष में, ठीक है। रशिया का यहाँ पर काफ़ी इंटरफेयर रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि कीमतों में हो गई है यहाँ पर ईंधन की में वृद्धि, जो एलपीजी होती है उसकी, उसमें वृद्धि के कारण यहाँ की जो जनता है उसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, ठीक है। 2019 में यहाँ पर और इसमें क्या है कि इसकी राजधानी है वो नूर सुल्तान है। 2000 जब ये 1991 में बना था तो 1991 से लेकर 2019 तक यहाँ के राष्ट्रपति हुए थे नूर सुल्तान, उसी के नाम पर इस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान रख दिया गया था, ठीक है। अब 2019 में यहाँ पर क्या हुआ था कि योकाटेव राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने अभी क्या कहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि सरकार दाम कम नहीं कर पा रही है। और जबकि आप देखेंगे 1 जनवरी अभी गई है, कितने दिन हुए हैं, इतने ही देर में जनता क्या हो गई, अग्रेसिव हो गई, ठीक है। और इस तरह से इसे क्या है कि लोकतंत्र की जीत भी बताया जा रहा है कि जनता ही सर्वे सर्वा है, ठीक है। यहाँ पर कोई राष्ट्रपति सर्वे सर्वा नहीं होता है, जनता ही सरकार को बनाती है। अगर जनता ही नहीं होगी तो सरकार कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जनता का सम्मान सभी को करना चाहिए, ठीक है। देश अगर यहाँ जहाँ पर लोकतंत्र होता है ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। अब यहाँ पर 2019 में योकाटेव राष्ट्रपति हुए थे, अभी उन्होंने क्या है ये कहकर इस्तीफा ले लिया है कि तुम कि आप दा जो ईंधन के दाम है उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इनसे यहाँ के प्रधानमंत्री है जो, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें कि यहाँ इमरजेंसी भी घोषित कर दी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों बंद कर दिए, क्योंकि इंटरनेट से आपको पता है कि सूचना इधर से उधर भेजी जाती है तो जनता और अग्रेसिव ना हो जाए, इस वजह से यहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया, ठीक है। अब इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी बंद करने से क्या हुआ, यहाँ पर बिटकॉइन पर के दाम है वो रातों रात गिर गए, ठीक है, मार्केट में। क्योंकि यहाँ ये बिटकॉइन माइनिंग में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री आती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का निर्माण होता है, क्रिप्टो करेंसी है ना, उसी में एक बिटकॉइन होता है, ठीक है। और उसमें बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है, यानी बनता कैसा है, इसमें सैकड़ों कंप्यूटर लगाए जाते हैं और 5-6 महीने तक वो लगातार वर्क करते हैं, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, और काफ़ी टाइम में ये एक कोड बनकर आता है, उसे ही हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नाम होते हैं और जो आदमी बनाता है इसे उसी के पास उसका कोड रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसमें सैकड़ों, तो इसी वजह से क्या हुआ, बिटकॉइन के दाम भी काफ़ी गिर गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि चीन ने अपने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है, ठीक है। तो जितनी भी कंपनियाँ चीन से निकली थी वो कजाकिस्तान में ही चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में ये न्यूज़ पहुँच गई कि बिटकॉइन बनना बंद हो गया है, इस वजह से इसके दाम भी काफ़ी गिर गए, ठीक है। और ऑफिशियल ऑफिशियल मुद्रा के रूप में लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है एल सल्वाडोर, वो विश्व की पहली कंट्री बन गई है जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनी लीगल मुद्रा मान लिया है, ठीक है। अब पता है क्या कयास लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर CSTO की जो सेना है, यानी कि 6 कंट्री आते हैं इसमें, यही जो USSR टूटा था इसी में से 6 कंट्री आते हैं, वहाँ की सेना यहाँ पर आ चुकी है, कहाँ पर, कजाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि जनता को शांत करने के लिए, ठीक है। अब विश्व में ये बात कही जा रही है कि रशिया फिर से एक होने की, USSR बनने की और अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से यूक्रेन को अपना अपने अधीन करना चाहता है और यूक्रेन से कहता है कि तुम नाटो में नहीं मिलोगे, नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन है, ठीक है। तो ये बात करता है और कहता है कि अगर किसी ने यूक्रेन को मिलाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से डरा कर रखना चाहता है। और आपको पता है क्रीमिया को तो उसने हड़प ही लिया यूक्रेन से। तो इस तरह से कजाकिस्तान में देखें, बेलारूस में देखें, तो ये रशिया है। और अभी क्या हुआ था कि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ था, उसमें रशिया के खिलाड़ियों द्वारा USSR की टी शर्ट पहनी गई थी,
तो इस पे भी काफ़ी बवाल हुआ था विश्व मीडिया में कि ऐसा रशिया फिर से यूएसएसआर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो क्या हुआ है, कजाकिस्तान में अमेरिका की $54 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसे खींचा जा रहा है, कजाकिस्तान को एक तरफ अमेरिका अपनी तरफ खींच रहा है, एक तरफ रशिया खींच रहा है। तो इसमें नुकसान सिर्फ कजाकिस्तान को होगा, बाकी तो अगर युद्ध भी होता है, शीत युद्ध की कंडीशन भी बनती है, तो इसमें क्या होगा, ये बड़े बड़े देश अपने हथियारों को बेच जाएंगे एक दूसरी कंट्रीज को, और इसमें नुकसान सिर्फ छोटे छोटे गरीब और उन देशों को होता है जिसमें ये झगड़े करवाते हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया और अमेरिका की वजह से ही ये हो रहा है सब कुछ उसमें कजाकिस्तान में, ठीक है। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है, बाकी तो और क्या ही है।